में जिसने इस्तीफा दिया था 11 अप्रैल के बाद एज एमएनए, कोई नहीं पे दी गई। दूसरा जो बड़ा इंटरेस्टिंग लीगल पॉइंट मैं आज फिर दोहराना चाहती हूं, जबकि जो हमारे वो जिनको खरीदा गया था राजा रियाज एंड को, जब उन्होंने खत दे दिया कि हम नया ऑपोजिशन लीडर अपॉइंट कर रहे हैं, तो वाजे तौर पे जब स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिया ये नए ऑपोजिशन लीडर को, तो उन्होंने इस्तीफे भी एक्सेप्ट कर लिए, लीगली पेज रोक दी, नया ऑपोजिशन लीडर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये क्या ड्रामा किया था, 30-30 लोग, 40-40 लोग के इस्तीफे, जब उन्होंने वाजे तौर पे लीगली पहले दिन से सब इस्तीफे एक्सेप्ट कर लिए थे। तो ये तमाशा खेला जा रहा था। और आज जजेस ने ये सवाल पूछा है और इंशाल्लाह हमारे वकील जवाब देंगे इसका, कि ना पेज दी गई 11 अप्रैल से, बल्कि जो इवेंचुअली हमें डी नोटिफिकेशन आया वो भी बैकडेट किया गया 11 अप्रैल को। तो उन्होंने उसमें भी जो इस इंपोर्टेड स्पीकर ने डी नोटिफाई किया है फिर से, उसकी भी डी नोटिफिकेशन बैकडेट किया है 11 अप्रैल से। तो ये तमाशे खेल रहे हैं। ये सारा नैब का जो कानून तब्दील किया गया है, असल सवाल उठता है ये क्या इंडिविजुअल्स को, कई खास शख्सियतों को फायदा हुआ है या कौम को फायदा हो रहा है? आप लिस्ट देख लें नैब ने जो दी है किनको फायदा हुआ है, तो पूरी इंपोर्टेड हुकूमत के लोगों का नाम है उसमें। ये खास जरदारी शरीफ और बाकी ये जो टोला है कबाल ऑफ क्रुप्स का, इनको फायदे के लिए पूरा ये नैब का कानून तब्दील किया गया है। और इंशाल्लाह हम ऑनरेबल जजेस से एक्सपेक्ट करते हैं कि इंसाफ मिले, और इंशाल्लाह हम समझते हैं हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, क्योंकि ये हाईएस्ट फोरम है इंसाफ मांगने का, और इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। और ये जो अपनी चोरियां और लूट घसूट बचाने की कोशिश में है, ये इवेंचुअली नाकाम होंगी। शुक्रिया। मैडम ये बताएं कि आप जो कह रही हैं कि ये इस्तीफे 11 अप्रैल से एक्सेप्ट किया गया, तो आपकी मतलब ग्रीवेंस किस पे ऊपर है कि ये आज से एक्सेप्ट होने चाहिए, तनख्वाहें मिलनी चाहिए थी? नहीं, हम ना मिलने पे है। हमारा ग्रीवेंस नहीं है, हम सिर्फ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि एक तरफ वो स्पीकर और वो कहते हैं कि जी हमें इस्तीफे पहले हमने चेक करना है, हमने जब तक चेक नहीं करेंगे तो बुलाया तो किसी को नहीं उन्होंने। दूसरी बात, अगर चेक करने के बाद फैसला करना था तो फिर बैकडेट करके 11 से क्यों एक्सेप्ट किए? फिर आपने पेज हमारे एमएनए तो वैसे भी नहीं विड्रॉ करनी थी, लेकिन कोई पे आपने डिपॉजिट नहीं की, आपने ऑपोजिशन लीडर फौरी तौर पे दूसरा कैसे रख लिया जब इस्तीफे ही नहीं आपने सपोजिटली एक्सेप्ट किए? ये बातें हैं ना, कॉन्ट्रडिक्शन है, ये सारी गेम्स खेली जा रही है।